हेलो गाइज, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइज, मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। मेनली मैं एनालिसिस करूंगा उनके लिए जो ऑप्शन को कल बाई करके, मतलब फ्राइडे को बाई करके गए हैं, या तो उनको लॉस हो रहा होगा, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा, या तो नया पोजिशन आप बना सकते हो। मतलब अगर लॉस हो रहा होगा तो आप कहाँ पर निकालोगे या वेट करोगे, तो मैं सारे डिटेल्स में बताऊँगा चार्ट्स पे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, या तो मंडे को आप पोजीशन बना रहे हो निफ्टी में बाई करना चाहते हो, या बैंक निफ्टी में बाई करना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो, जो भी स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो क्या व्यू हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये लास्ट फ्राइडे को आप देख सकते हो कि एक छोटा सा ये रेड कैंडल बनाया है निफ्टी में। तो कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कल आप मार्केट ओपन हो, आप यहाँ पे मतलब पीई का या सेल कर दो, पीई का ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो मैं एनालिसिस करूँगा, देखोगे कितना दिन से बुलिश में जा रहा है, लास्ट फ्राइडे को रेड कैंडल बनाया है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो। तो पहले तो जिन्होंने बाई करके गया है निफ्टी, पहले मैं निफ्टी को बताऊँगा, जिन्होंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी का बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो देखो कि पहला तो आप यहाँ से देखो कि ये है, ये तो कॉस ये निगेटिव में दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कल मार्केट ओपन कहीं पे भी ओपन हो, आप वहाँ वहीं पे हो, आप उसको पी का ऑप्शन बाय कर लो या सेल कर दो कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर मार्केट 26,100, 26,150, यहाँ पे 26,150 इधर कहीं पे भी ओपन होता है गैप डाउन, तो क्या कर सकते हैं। तो 26,150 पे ओपन होता है, तो गाइज आप अगर 26,060 के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज नहीं करता है, तो आप पोजीशन जो भी है एग्जिट कर सकते हो। मतलब सी का साइड का, पी का साइड का आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट ओपन होता है, एग्जाम्पल में बताऊँ 26,270 70 इधर कहीं पे ओपन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो गया, तो यहाँ यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है 26,000 आपको 175 तक, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस रेंज के लिए आप टारगेट बना सकते हो। ऊपर के लिए थोड़ा मुश्किल है बनाना टारगेट, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी जा सकता है, लेकिन आपको ये ऑलरेडी जा चुका है, देखो कि ट्रेंड कितना जा चुका है। तो आप वेट करके आप नीचे को ही बनाना, अगर इधर इधर कहीं पे भी ओपन होता है तो नीचे को ही बना सकते हो। तो अगर तो यहाँ से जब यहाँ से अगर 26,120 के नीचे ओपन होता है, तो कहाँ तक आ सकता है। तो गाइज आप टारगेट ये बना सकते हो, यहाँ तक का टारगेट बना सकते हो, एक टारगेट यहाँ तक का 26,050 का बना सकते हो, 670 का, एक 26,114 का, ये दोनों टारगेट आप बना सकते हो। ठीक है, मान लो कि अगर अगर कहीं इधर ओपन होता है, मान लो 26,200 पे ओपन होता है। ठीक है, तो 26,200 पे ओपन होता है, तो आपके लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा 26,178। उसके बाद आपके लिए ऊपर का टारगेट बना बना सकते हो, नीचे का नहीं बनाना है। अगर कहीं ये इधर ओपन होता है, तो ऊपर का ही टारगेट बनाना है, नीचे का नहीं बनाना है। अगर इसके नीचे ओपन हो गया तो आप नीचे का टारगेट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं बता दिया कि जो भी अगर सीई को बाई करके गए होंगे, अगर 26,170 के नीचे ओपन होता है, तो गाइज आप एग्जिट कर सकते हो सीई का ट्रेड, क्योंकि और भी नीचे जा सकता है। अगर कहीं इधर ओपन होता है तो प्राइस एक्शन बनाता है, तो होल्ड कर सकते हो, फिर भी 26,200 या 270 तक आप टारगेट इधर तक का बना सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। जो पीई का ट्रेड करके गए हैं, तो उनके लिए अगर 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 आपको 26,200 या इधर कहीं पे भी ओपन होता है, तो गाइज पी ए रेसिस्टेंस ऑलरेडी है, आप एग्जिट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आएगा फिर बाउंस बैक ऊपर जा सकता है। ठीक है, चलो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या है। गाइज मैं ये रिलायंस और HDFC बैंक, ये सब कुछ देखने का मतलब नहीं है। उससे उससे क्या होगा, आप ट्रेड करोगे निफ्टी में, निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी का देखो, वहाँ पे आप इसका SL हिट हो रहा है, निकल जाओ, SL नहीं हिट हो रहा है, वेट करो। तो बैंक निफ्टी में भी देखो कि बैंक निफ्टी का पहले
वन डे का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी देखो कि अपना ये यहाँ पे क्रूशियल लेवल पे है 53,790, ठीक है। यहीं से एक पुल बैक हुआ था, नीचे आया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें भी जो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो बाय करके गए हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो गई अगर बैंक निफ्टी 53,790 के ऊपर है, तब तो आप ऊपर का ही ट्रेड लेना, ठीक है। इसके ऊपर है तो ऊपर का ट्रेड लेना, अगर इसके नीचे हुआ, ठीक है, इसके नीचे हुआ तो आप टारगेट आपके लिए यहाँ तक बन सकता है, यहाँ तक बन सकता है टारगेट, बड़ा टारगेट बनेगा गाइस। यहाँ तक के लिए आप इंट्राडे के लिए, कल के लिए टारगेट बना सकते हो, इससे ज़्यादा मत बनाना। एक एक यहाँ पे भी आपको रेसिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा, 53,600 का एक रेसिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा, इसको ब्रेक किया तो आप 53,300 तक का भी टारगेट आप बना सकते हो, ठीक है। अगर कहीं इधर ओपन हो जाए, 26,800 के ऊपर ओपन हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये नीचे गिरा है तो आप मार्केट कल खुले आप इसमें शॉर्ट कर दो, पी वाई कर लो, नहीं। अगर इधर ओपन होगा तो फिर से आपको टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं आपको यहाँ एक टारगेट आपको 54,050 हो जाएगा, और उसके ऊपर एक टारगेट आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 54,129 का यहाँ पे, ठीक है। अगर क्या होता है कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाए, जो भी सी का बाई करके गए हैं वो तुरंत एग्जिट कर लेना, ठीक है। आपको मिनट भी नहीं लगना चाहिए, एग्जिट कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी ये रेसिस्टेंस में यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे अगर ओपन होता है गाइस, तो आप नीचे के लिए ही ट्रेड बनाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस।